गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने इसके अंदर कौन सा पढ़ा था बेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने एवरीडे लाइफ के बारे में देखा था कि एवरीडे लाइफ कैसी थी, किन की, फ्रेंच के लोगों की, जिसके अंदर हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ द सेंसरशिप देखा था। क्लियर है? लास्ट ये जो हम वीडियो बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर। इसको हम लोग नेपोलियन बोनापार्टे की वीडियो पढ़ सकते हैं या फिर इसको एक तरीके से कंक्लूजन पढ़ सकते हैं हम किसका, चैप्टर का। क्लियर है? तो जब नेपोलियन बोनापार्टे क्या होते हैं, क्राउनेड एज अ एम्परर 1804 में। आपको पता है 1804 में, जब 1804 में क्या होता है, जब डायरेक्टरी रूल और डायरेक्टरी के बीच में और किसके लेजिस्लेचर के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा होता है, मैंने आपको बताया था, तो मैं आपस में क्या होती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कि अनस्टेबिलिटी रहती थी। तो इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया किसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने। और नेपोलियन बोनापार्टे क्या हो गए, एज अ रूलर के रूप में फ्रांस के अंदर आ गए। तो अपने एज अ एम्परर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया 1804 में, नेपोलियन बोनापार्टे ने किया। क्लियर? अब जब नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, एज अ एम्परर के रूप में वो फ्रांस के ऊपर आ गए, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि फ्रांस के जो आसपास की कंट्रीज थी, पोलैंड थी और भी कंट्रीज थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी कहाँ पर, फ्रांस के आसपास की कंट्रीज, उन कंट्रीज को घेरना स्टार्ट किया, कॉन्क्वर्ट करना स्टार्ट किया। क्लियर? और एज अ कॉलोनीज उनको बनाना स्टार्ट किया। तो कॉन्क्वर्ट मैनी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है? कॉन्क्वर्ट माने होता घेर रहा। कितने बेटा? तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने क्या कर लिया, घेर लिया। ये क्या करते थे, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर इन्वेशन करते थे, वहाँ पर उन कंट्रीज के जो राजा हुआ करते थे उनसे क्या करते थे, लड़ते थे, और लड़ने के बाद में उनको हरा दिया करते थे, उनकी कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लिया करते थे, और फिर अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी जानने वाले को वहाँ पर उस जगह पर बैठा दिया करते थे। कुछ इस तरीके से ये रूल चलाया करते थे। क्लियर है? आगे क्या हुआ, और फिर इन्होंने क्या करना, नेपोलियन बोनापार्टे ने कुछ रूल्स बनाना स्टार्ट किया, कुछ लॉज बनाना स्टार्ट किया, और वो लॉज पूरे फ्रांस के अंदर और फ्रांस के साथ साथ उन कॉलोनीज के अंदर जो इन्होंने घेरी थी उनके अंदर भी इनको लागू करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। क्लियर है? तो जो इन्होंने लॉज बनाए, जो उन्होंने रूल्स बनाए, उन रूल्स और लॉज की वजह से, तो इन्होंने जो रूल्स बनाए, इन्होंने जो लॉज बनाए, उन लॉज की वजह से इनको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कुछ ऐसे लॉज बनाए जिनकी वजह से इनको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया। इन्होंने कहा गया कि ये क्या करेंगे, ये यूरोप को एक तरीके से मॉडर्नाइज करेंगे। क्लियर है बेटा? तो वो लॉज क्या थे वो हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट। इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड की वो समझिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपोलियन बोनापार्टे क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड क्या हो, फ्लोराइज्ड हो। अब जब वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फ्लोराइज्ड हो, तो वो किसको सपोर्ट करेंगे, वो रिच पर्सन्स को सपोर्ट करते थे, और जो रिच पर्सन्स हुआ करते थे उनकी क्या होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, जिससे कि रिच पर्सन्स इनसे खुश रहें, जो रिच पर्सन्स होते थे वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, और जिससे क्या हुआ, ट्रेड क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ्लोराइज्ड हो। क्लियर बेटा? दूसरा इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि यूनिफॉर्म सिस्टम चलाया इन्होंने, किसका, वेट का एंड मेजरमेंट का। ये समझिएगा कि देखिए, आपने देखा होगा आज की डेट में हम लोग देखते हैं, हम लोग जब सामान को खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो एक वाट दिया जाता है, एक किलो का वाट होता है, दो किलो का वाट होता है, तीन पाँच किलो का वाट होता है। क्लियर है? अगर वहीं मैं कहीं रूरल एरियाज में चला जाऊँ, तो रूरल एरियाज में वाट की जगह पर स्टोन्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है? देखा होगा आपने। तो ऐसे समझिए, जैसे कि आपको एक किलो गेहूं खरीदने, अब मैं कहूँ कि ये पेन मेरा कितने का, एक किलो का, तो मैंने इससे नाप के दे दिया। ठीक है ना? फिर आप दूसरे सेलर के पास में गए, तो दूसरा सेलर मुझसे भी ज़्यादा चालाक निकला, उसने कहा कि ये जो कैप है पेन का, ये एक किलो का है। तो पहले इस तरीके का सिस्टम चलता था। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होता, लॉस होता था किसका, कंज्यूमर्स का भी और किनका, प्रोड्यूसर्स का भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। कैसा सिस्टम होगा, यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। यूनिफॉर्म यानी कि आप उस चीज़ को कहीं भी तौल लीजिए, सब जगह वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है? इसके साथ साथ डेसिमल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डेसिमल सिस्टम समझिए, डेसिमल सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बेटा एक पेन जो है वो कितने रुपये का, 10.5 रुपये का है। अब आपने क्या 10 पेन खरीदे। क्लियर है? तो आपके कितने रुपये हो गए बेटा, 100 रुपये, 105 रुपये हुए। कितने हुए, 105 रुपये। लेकिन अगर मैं डेसिमल सिस्टम को ना मान के चलूँ और सिर्फ मैं ये कहूँ कि ये पेन कितने का, 10 रुपये का, तो 10 रुपये के हिसाब से कितने हुए, 100 रुपये। क्लियर है? तो मुझे कितने का लॉस हो गया, 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये जो सिस्टम था
इस सिस्टम तो यहाँ से क्या होता था, जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे उन प्रोड्यूसर्स को लॉस होता था, क्लियर है। तो जिस इसी लॉस को ख़त्म करने के लिए कि जो पॉइंटों में भी जो लॉस होता है वो भी ना हो प्रोड्यूसर्स को, इसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया, डेसिमल सिस्टम स्टार्ट किया, क्लियर है। दूसरा क्या था कि जैसे कि आप देखिए आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, जो बिल बनाते हैं, उन बिलों में जो पॉइंटों में भी जो क्या होती हैं, पॉइंटों में भी जो प्राइसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। वो इसीलिए लिखे जाते हैं कि जो एक दो रुपये का जो लॉस हो रहा वो भी कंपनी को ना हो, तो वो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोला जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉस बनाए जिसकी वजह से इनको एक तरीके से मॉडर्न, इनको ये माना गया कि ये यूरोप को क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ये क्या कर रहे हैं, यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ये क्या हो रहे थे, फेमस हो रहे थे पूरे किसके अंदर, यूरोप के अंदर लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो समझिएगा कि लोगों ने कहा कि ठीक है कि जो नेपोलियन बोनापार्टी हैं वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं यूरोप को, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली करके आ रहे हैं, वो आते हैं एज अ इन्वेंशन के रूप में, इन्वेंटर के रूप में, और फिर हमारे राजा के ऊपर क्या करते हैं, कॉन्क्वेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और फिर उस जगह को घेर लेते हैं, क्लियर है। तो यहां से लोगों को नहीं समझा कि कहीं ना कहीं ये हमको क्या कर रहे हैं, गुलाम तो बना ही रहे ना, तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुई, एक लड़ाई होती है, एक बैटल होती है, बैटल को क्या बोलता है, बैटल ऑफ वाटरलू, कब होती है, 1815 में। इस बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में हम लोग 10th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये वाटरलू क्या थी, कैसे थी, क्लियर है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ वाटरलू, और बैटल ऑफ वाटरलू में किसको हरा दिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्टे को हरा दिया जाता है, क्लियर बेटा। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ के बाद में डिफीटेड देखिएगा, इनको हरा दिया जाता है, क्लियर, 1815 में इनको क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, लेकिन इनके जो आइडियाज थे वो उसका एक बहुत बड़ा डीप इम्प्रिंट पड़ा सोसाइटी पर, यानी कि जो सोसाइटी थी उसने वहाँ से नेपोलियन बोनापार्टे का रूल तो चला गया, लेकिन जो इन्होंने लॉस लागू किए थे, जो रूल्स लागू किए थे, वो रूल्स सोसाइटी के अंदर बहुत लंबे समय तक या हमेशा तक रहे, क्योंकि इनके जो बनाए हुए रूल्स से वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो सोसाइटी का ये कहना था कि ये रूल्स तो गलत कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जो लॉस बनाए जा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, ये एक तरीके से क्या करेंगे, यूरोप को मॉडर्नाइज करेंगे। तो इसलिए इनके इनके आइडियाज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा किस पर, सोसाइटी पर, वो आगे तक भी फॉलो होते रहा इनके आइडियाज़, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है वो आपको समझने हैं, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये जो आइडिया है किसका, लिबर्टी का आइडिया, जो है डेमोक्रेटिक राइट्स का, ये कहाँ से आए हैं, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कहाँ से उत्पन्न हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कहाँ से स्टार्ट हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि पहले, सबसे पहले लिबर्टी का आइडिया अगर कहीं से आया तो वो कहाँ से आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सबसे पहले अगर डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात हुई है तो वो कहाँ पे हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्लियर है। इसके बाद में टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन राय, देखिएगा पूरे चैप्टर के अंदर दो इंडियंस के नाम पूरे के अंदर आए हैं, और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से दो लोग थे। तो नाम आपको ध्यान रखने हैं, टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन राय। ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स किया इन्होंने किस चीज़ को लेकर, आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस, ये फ्रांस का के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था इन्होंने उसको काफ़ी अधिक मात्रा में अपनाया, और इन्होंने कहा कि ये फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ है उसने बहुत अधिक मात्रा में क्या क्या पूरे देश को एक शिक्षा दी है। किसने, कौन कौन लोग थे, टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन राय। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूर्ण तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट डेज में भेज दूंगा, वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको भेजूंगा, वो भी आपको करने हैं। कंप्लीट चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। एक बार आप पूरी वीडियो को देखें, देन आफ्टर आप बुक्स को पढ़ें, आपके पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मेरी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर में।